मेरे प्यारे साथियों, स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट एलिमेंट विल बी लिस्ट व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज। देखिए, आप जानते हैं कि वे फेज जो होता है, कह सकते हैं करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है। तो आप पावर फैक्टर की बात कर लें हम लोग, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ये एंगल है तो इसके बीच में अगर ये बन रहा है, ठीक, या फिर आप कह लीजिए कि ये अगर वोल्टेज है या ये करंट है, कुछ भी आप ऐसा मान के चलो, तो इसके बीच में जो ये एंगल बना है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस, जिसको कि आप लोग डिनोट अगर करते होगे आगे चल के, जो क्या कहते हैं कि उसको हम कॉस फाई बोलते हैं, जहाँ पे कि फाई हमारा क्या हो गया, फेज एंगल हो गया, और ये कॉस फाई हमारा क्या हो गया, फेज डिफरेंस। तो हम कहते हैं कि पावर बोल रहा है जब फेज डिफरेंस के बीच में कितना एंगल रहेगा कि पावर सबसे कम होगा। तो आप जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है आपका, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, ठीक है। P P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, ठीक। तो कॉस फाई का वैल्यू किस एंगल के लिए सबसे कम होगा, समझिएगा। अगर मान लीजिए कि सबसे कम होगा तो पावर भी हमारा क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर मान लीजिए कॉस फाई का वैल्यू 1 हो तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, वी आई। लेकिन अगर कॉस फाई का वैल्यू अगर 0 होता है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 0, मतलब पावर सबसे कम होगा। तो पावर सबसे कम किस कंडीशन में होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉस फाई का वैल्यू 0 कब होगा। तो कॉस फाई का वैल्यू आप जानते हैं कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ पे? तो आप कह सकते हैं कि पावर कंजम्पशन जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस जब 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम में पावर कंजम्पशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पावर कंजम्पशन 0, या आप कह सकते हो मिनिमम होगा, या लिस्ट भी कह सकते हो, एक ही चीज है सब। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, फॉर्म फैक्टर पूछा जा रहा है आपका, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप एक बार इसको जरूर देखिएगा, फ्री टाइम में भी बैठे हुए आप इसको देख सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है क्या होता है, आप जानते हैं फॉर्म फैक्टर, इसको आप डिनोट करते हो किस चीज से, एफ एफ भी बोलते हो, ठीक है, एफ एफ भी बोलते हो। यह क्या होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है आर एम एस वैल्यू, आर एम एस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है, आर एम एस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी होगा, आर एम एस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर व्हेन। आप जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो एक्स सी होता है। इसका वैल्यू अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होता है, 1/2 πfc, है ना, 1/2 πfc। अब देखिए, कहा जा रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा मोर होगा, मतलब अधिक होगा, कब होगा। तो अब यहां से हम अगर फॉर्मूला से देखें तो क्या बोल सकते हैं, जब कैपेसिटेंस का वैल्यू लेस या कम होगा, मिनिमम होगा, उस वक्त में भी आप कह सकते हो कि एक्स एल का वैल्यू क्या होगा हमारा, सॉरी एक्स सी बोल रहे हैं, एक्स एल नहीं, एक्स सी का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा। अब ये भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी अगर हमारा कम होगा तब भी हमारा क्या होगा, एक्स सी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई अगर कम होगा या लेस होगा, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जो होगा क्या होगा, अधिक होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए, कैपेसिटेंस इज लेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज लेस। अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू कम है और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सप्लाई का वैल्यू भी कम है, तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सेम इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए, तो आप वहां पे भी आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, एक्स एल इक्वल टू होता है 2 πfl, एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, 2 πfl, जिसमें से आप कह सकते हैं एल का वैल्यू अधिक होगा या एफ का वैल्यू भी अधिक होगा, तब जाकर हमारा क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू मोर होगा या अधिक होगा। इसका रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सएल का वैल्यू लेस होगा, कम होगा, कब। तो आप यहाँ पे भी कर दीजिएगा उल्टा, जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होगा और एल का वैल्यू कम होगा तब। सेम आप कह सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात जब करा जाएगा, तो यहाँ पे आप कह दिया कि कैपेसिटेंस का वैल्यू जब अधिक होगा या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अधिक होगा, तब आप कह सकते हैं कि एक्स ई सी या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्लियर, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। पावर फैक्टर का पहले तो आप जानिए कि फॉर्मूला क्या होता है, cos phi इक्वल टू R बाय जेड, है ना,
कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाय जेड होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो सीधा सीधा हम ऐसा बात कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि रेसिस्टिव के केस में पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, यूनिटी होता है, अर्थात वन होता है ना? अर्थात आप क्या कह सकते हैं, ये वन होता है। तो पावर फैक्टर जो होगा जीरो किस कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के कंडीशन में पावर फैक्टर जीरो हो सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। सो कैपेसिटेंस भी इसमें भी पावर फैक्टर जीरो हो सकता है और आपका इंडक्टेंस में भी जीरो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा जा रहा है 5 में कि जो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट है वो अकर्स किस में होता है, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट जो है किस में होता है। तो आप आराम से ऑप्शन देखिए और इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? तो इसमें आप आंसर देखिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आरएलसी सर्किट, है ना? आरएलसी सर्किट में डबल ट्रांजिएंट जो होता है वो क्या होता है आपका, मतलब डबल एनर्जी ट्रांजिएंट होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि एनर्जी एनर्जी जो होता है वो डबल हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक? नेक्स्ट आप कर लीजिए, इन एनी एसी सर्किट, एसी सर्किट में ऑलवेज क्या होता है, अपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर से रिलेट किया हुआ है। तो आप होप्सो जानते होंगे, आपको पावर ट्रायंगल के बारे में पता होगा, ये ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार से आपका पावर ट्रायंगल बनता है ना? ये क्या हो गया, पावर ट्रायंगल, जिसमें से कि आप कह सकते हैं कि ये क्यू होता है, जिसे कि आप किसी से डिनोट करते हो, रिएक्टिव पावर बोलते हो इसको, आप फॉर्मूला आप कह सकते हो वी आई साइन फाई होता है। क्या होता है ये, वी आई साइन फाई, मतलब जब इसकी बात करोगे आप, ये हमारा हो जाता है टू पावर या एक्चुअल पावर, ये हो जाता है आपका वी आई कॉस फाई, ठीक है? ये हो गया कॉस फाई। अब यहाँ अगर बात करोगे तो ये हमारा हो जाता है अपेरेंट पावर, जिसको कि आप कहते हो वी आई का मंजुगेट कंजुगेट, सॉरी मंजुगेट नहीं कंजुगेट, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा एस, ठीक? तो एस बराबर क्या हो जाता है, वी आई। तो ये हमारा हो गया क्या, ये क्या हो गया अपेरेंट पावर, ये हो गया आपका क्या रिएक्टिव पावर, और ये क्या हो गया एक्टिव पावर। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन पे, अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, क्या अपेरेंट पावर जो है ये वाला जो पावर है क्या इस पावर से अधिक है, मतलब अपेरेंट पावर इज मोर देन रिएक्टिव पावर एक्चुअल पावर, सॉरी, है ना? तो क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल ये सही है। आप जानते हैं एस बराबर होता है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना? एस इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी। तो ये आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए ऑप्शन, अगर मैच करना चाह रहे हैं तो आप मैच भी कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर इज मोर देन अपेरेंट पावर, भैया ये रिएक्टिव पावर है और ये अपेरेंट पावर है, तो अपेरेंट पावर अधिक होगा ना कि रिएक्टिव पावर, तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया, गलत। एक्चुअल पावर इज मोर देन रिएक्टिव पावर, ये एक्चुअल पावर है और ये रिएक्टिव पावर है, ये भी गलत है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं रिएक्टिव पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर, तो ये रिएक्टिव पावर है और ये एक्टिव पावर है, एक्चुअल पावर ये ज्यादा होता है, ये भी गलत है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपेरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट एट अ रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से पहले देखिए, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इन आरएलसी सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख देते सीधा, आई इक्वल टू वी बाय जेड, और जेड बराबर क्या होता है आप जानते हो, वी अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ले लीजिएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब देखिए रेजोनेंस के कंडीशन में एक्स एल और एक्स सी बराबर होगा, तो ये कंप्लीट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट डाउन, वी इक्वल टू आर, ये भी हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ आरएलसी सर्किट करंट का वैल्यू। तो आप देखिए, तो ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू, है ना? ये क्या हो गया फाइनल वैल्यू हमारा, हो गया क्या करंट का। अब समझिएगा, तो इसमें करंट का वैल्यू किस पे, वोल्टेज और रेसिस्टेंस कर सकते हैं पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सवाल क्या बोला जा रहा है ऑप्शन में, डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बिल्कुल आर पे डिपेंड करेगा क्योंकि आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डिपेंड अपॉन एल सी या आर एल सी, तो ये तीनों आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये तीनों क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ अ करंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी फॉर मोर देन 3 सेकेंड इज,
बोल रहा है कि इस अमाउंट में ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ है सारा, ये सारा जो वैल्यू दिया हुआ है, इस सारे वैल्यू में से कौन सा अमाउंट है जो कि ह्यूमन बॉडी उसको कैरी कर सकता है, वो भी कितने सेकंड के लिए भैया, बस 3 सेकंड के लिए बर्दाश्त कर सकता है उसको, 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं। तो इसका देखिए, 4 मिली एम्पियर है, 9 मिली एम्पियर, 15 और 25, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 मिली एम्पियर, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9, पर्पस ऑफ अ पैरेलल सर्किट रेजोनेंस इज टू मैग्नीफाई। देखिए, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जो बोला जाता है किसको मैग्नीफाई करता है, तो आप कह सकते हैं करंट को। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस इज टू बी यूज कह सकते हैं, पैरेलल सर्किट रेजोनेंस इज टू मैग्नीफाई, तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करंट। यही चीज अगर आपको बोला जाएगा सीरीज में, ठीक है, पैरेलल में ऐसे समझिए ना इसको, पैरेलल अगर यहाँ पे है तो ये पैरेलल में हमारा क्या इम्प्रूव हो सकता है भैया, वोल्टेज तो बराबर रहेगा, कुछ भी कर लीजिए वोल्टेज इम्प्रूव नहीं हो सकता है, तो इम्प्रूव के नाम पे क्या हो सकता है भैया, या बढ़ किस में सकता है, मैग्नीफाई माने बढ़ाना होता है, तो क्या कर सकते हैं, करंट को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करंट। इसी चीज में आपसे पूछा जाएगा कि पर्पस ऑफ अ सीरीज सर्किट रेजोनेंस, तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है कि पावर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डेसिबल्स इन केस ऑफ, हाँ भैया, पावर को जो है डेसिबल्स में भी मेजर किया जाता है, किस टर्म में, ध्यान रखिएगा, ऐसा आप मत कीजिएगा कि हाँ पावर को हम लोग डेसिबल में मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, पावर को भी हम लोग क्या करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं, तो किस टर्म में करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, इस तीनों में जो है पावर जो है जब भी आपका मेजर्ड किया जाता है तो वाट में किया जाता है। अब इसी को आप वाट कह लीजिए, किलो वाट कह लीजिए, मेगावाट कह लीजिए, जो कहना है कह सकते हैं आप। ठीक है, बट ठीक, तो वाट एक स्मॉल यूनिट हो गया, किलो वाट एक लार्ज यूनिट हो गया, उससे भी अधिक तो मेगावाट में आ जाइए, उससे अधिक तो गीगावाट में आ जाइए, तो इस तरह से बढ़ता चला जाता है, लेकिन वॉट जो होता है बेसिक यूनिट है। लेकिन जब आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, तो उसका जो पावर होता है मेजर किया जाता है किस टर्म में, डेसिबल के टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका, वायर वाउंड रेसिस्टर आर अनसुटेबल फॉर यूज एट अ हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज दे बोल रहा है कि वायर बाउंड रेसिस्टर होता है जो अनसुटेबल होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अनसुटेबल होता है, क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ये देख लीजिए, क्रिएट मोर इलेक्ट्रिकल नॉइज, ठीक है, अधिक इलेक्ट्रिकल नॉइज करता है, या फिर आप नेक्स्ट कह सकते हैं, आर लाइकली टू मेल्ट अंडर एक्सेसिव ईडी करंट हीट, कंज्यूम मोर पावर, और ऑप्शन डी है एक्सिविट अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिविट अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो होता है वायर बॉन्ड रेसिस्टर अनसुटेबल होता है, इसलिए क्योंकि ये जो है इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा करता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड कोशाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर। याद कीजिए, एपरेंट पावर को हम लोग क्या डिनोट कर रहे थे, एस से, एस को हम लोग क्या लिख रहे थे, वी आई, ठीक है, वी आई लिख रहे थे, और कह रहा है कि इसका एपरेंट पावर का और कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन करंट वोल्टेज एंड एंगल, मतलब सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं कोसाइन एंगल का बात कर रहा है ये, कॉस फाई का बात कर रहा है, तो हम कह यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको अगर कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस तरह से, तो क्या आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, तो ट्रू पावर आएगा, तो क्योंकि आप जानते हैं ट्रू पावर का वैल्यू क्या होता है भैया, वी आई कॉस फाई, बोलिए वी आई कॉस फाई होता है, तो यहाँ पे हमको ये एस हटा देते हैं और इसको कर देते हैं क्या, पी, मतलब क्या आ जाएगा, पी बराबर वी आई कॉस फाई, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू ये एस हो गया आपका क्या, अपेरेंट पावर, और इसको गुना कर दीजिए कॉस फाई से, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए कॉस फाई से, तो ये आप कह सकते हैं कि आपका क्या आ गया, ट्रू पावर, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, ट्रू पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज क्या होगा, अब मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा कि जीरो होगा, आप ध्यान दीजिए, आपको अभी तुरंत कुछ देर पहले हम लोग बताए थे कि पैरेलल रेजोनेंस जो रहेगा वोल्टेज को मैग्नीफाई करेगा, और सीरीज रेजोनेंस जो रहेगा
करंट को मैग्नीफाई करेगा। तो कब मैग्नीफाई करेगा, मतलब अधिक से अधिक करंट कब फ्लो करेगा, जब उसका इम्पिडेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम। ठीक है, 13 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 में देखिए कह रहा है कि इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट इंक्रीजिंग इंडक्टेंस टू इट्स ट्वाइस वैल्यू एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटेंस टू इट्स हाफ वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, मतलब कह रहा है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अगर इंडक्टेंस का वैल्यू दुगना कर दें और कैपेसिटेंस का वैल्यू आधा कर दें, तब बोला जा रहा है कि क्या होगा। विल चेंज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एट द रेजोनेंस, विल चेंज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, विल चेंज द इम्पिडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, विल इंक्रीज द सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विल इंक्रीज द सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, इन ए लॉस फ्री आरएलसी सर्किट द ट्रांजिएंट करंट इज, कोई आरएलसी सर्किट है जिसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, तब ट्रांजिएंट करंट क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, इसका जब लॉस नहीं है तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, साइनोसॉइडल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन ए सर्किट कंटेनिंग आरएलसी पावर लॉस कैन टेक्स प्लेस। देखिए कोई भी अगर आरएलसी सर्किट है तो पावर लॉस हमारा ऑलमोस्ट किस में होगा, आप पहले तो ये समझिएगा, आर में होगा, एल में होगा, सी में होगा कि सब में होगा। ठीक है, तो हमेशा का हमेशा जो पावर होता है ना, लॉस अगर होगा तो किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में, आर में होगा। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, आर हो जाएगा। तो ये हमारा आर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 16 नंबर का। लॉस किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटिव सर्किट। देख लीजिए कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर सी, और यही चीज अगर इंडक्टेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका 1/RL, सॉरी L/R होता है ना, क्या होता है, टाइम कांस्टेंट जो होता है कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, आर सी। ठीक है, और जब बात करेंगे हम इंडक्टिव सर्किट का, तो इंडक्टिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, L/R। तो आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, पता चल रहा है आपको कुछ, तो देखिए इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस। अच्छा, ये कहना ये चाह रहा है भैया, समझिएगा, ये जो टाइम कांस्टेंट है बढ़ेगा कि घटेगा, और बढ़ेगा या घटेगा तो कब बढ़ेगा या कब घटेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वैल्यू हमारा आर और सी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ हम लोग इंडक्टर का बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा ये L/R जो है इसका हमको रिलेट नहीं करना है, ये रिलेट किस में होगा, जब इंडक्टिव इंडक्टेंस का बात करेंगे या इंडक्टर के टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे तब। अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटिव सर्किट का। तो टी इक्वल टू आर सी, अब ध्यान में देखिए इसको, कह रहा है कि इंक्रीजेस टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलो मान लिया मैंने टाइम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, कब, जब आर और सी दोनों का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो कह रहा है कि डिक्रीज द कैपेसिटेंस एंड डिक्रीज द रेसिस्टेंस, बिल्कुल गलत है भैया। अगर ये दोनों अगर घटता है, आर और सी दोनों अगर घटेगा, तो टी का वैल्यू भी क्या होगा आपका, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस। भैया दोनों में से अगर कोई एक बढ़ रहा है कोई एक घट रहा है, तो भैया ये वैल्यू क्या होगा हमारा, नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस, नहीं, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मतलब जब आर का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, इस तरह से आप कह सकते हैं टी इक्वल टू आर सी होता है, जब सी का वैल्यू भी बढ़ेगा तब टी का वैल्यू भी बढ़ेगा, और जब आर का वैल्यू भी बढ़ेगा तब भी आप कह सकते हैं कि टी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों अगर साथ में बढ़ेगा तब तो पक्का कह सकते हैं आप कि कैपेसिटिव सर्किट में टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है इफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ एन आयरन कोर चोक वर्किंग ऑन ऑर्डिनरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन इट्स ट्रू रेसिस्टेंस बिकॉज ऑफ,
क्यू, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है आयरन कोर चॉक का, जो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जैसे 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो वो जो होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस अधिक होता है इसके ट्रू रेसिस्टेंस से, ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरन लॉस इन द कोर। ये जो आयरन होता है वो आयरन होता है कोर होता है कह सकते हैं, आयरन का ही बना होता है कोर जनरली। हालांकि ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो उसका सीआरजीओ का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, बट यहाँ पे हम लोग आयरन का बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग जो है आयरन से हुआ था। तो फिर मतलब कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते करते लॉस को घटाने के लिए या लॉस को कम करने के लिए हम लोग अब सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर के केस में सीआरजीओ यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? सीआरजीओ। तो यहाँ हम लोग बात ट्रांसफार्मर का नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं कि आयरन कोर चोक है, मतलब इंडक्टर का ही बात कर रहे हैं हम लोग, चोक माने इंडक्टर ही होगा। तो क्या होता है, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो मतलब अधिक होगा इसके ट्रू रेसिस्टेंस से, क्यों? तो ये आयरन लॉस जो होता है कोर में क्या होता है, इसी के वजह से, मतलब आयरन लॉस जो होता है उसके वजह से ही जो होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, ट्रू रेसिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अ स्किन इफेक्ट अकर्स व्हेन कंडक्टर कैरीज एट अ डैश फ्रीक्वेंसी। अ स्किन इफेक्ट कब होता है, जब उसका कंडक्टर, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि स्किन इफेक्ट जो होता है कंडक्टर करी मतलब करंट के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा होता है एट हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो कब जो होता है कह सकते हैं कि स्किन इफेक्ट होता है, यहाँ पे आप भरने के लिए दिया गया है, तो यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी होगा कि लो फ्रीक्वेंसी होगा कि मीडियम होगा, तो आप स्किन इफेक्ट जो होता है ना जनरली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो स्किन इफेक्ट जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे ही जो होता है इसका करंट जो होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो करंट जब हाई फ्रीक्वेंसी पे कैरी कर रहा होता है या हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो कर रहा होता है तब स्किन इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर इस कुछ आपको विषय वस्तु से किसी प्रकार का कोई क्वेरीज हो या फिर आप कह सकते कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।